आज हमारी क्रू आ पहुंची है राजस्थान के मशहूर गढ़ पैलेस में। माना जाता है कि इस गढ़ पैलेस में जितने भी रात बिताई उसके जिंदगी पे काली रात का साया आ गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस महल में रात में पायल की छनकार कभी तलवार की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि राजा रानी मर तो गए पर आज भी इस महल से उनकी आत्माएं अलग नहीं हो पाई हैं। क्या ये बात सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आइए हम ये गलियारा। ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ आते थे और अपने खुफिया हथियार छुपा कर रखते थे ताकि लोग उन्हें पकड़ ना पाए। आप देख सकते हैं इन पुरानी दीवारें जो हमारे अतीत की प्रतीक हुआ करती थी, आजकल के लवरों ने नए जमाने के प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम उस पर लिखा हुआ है। आइए कैमरामैन हमारे यहाँ कितने सालों से यहाँ पर खड़ा है और न जाने कितने राज अपने अंदर छुपाए हैं। इस बरगद के पेड़ में का ऐसा कहना है कि राजा के आने से 500 वर्ष पहले ये बरगद का पेड़ लगाया गया था। और हमारे साथ आइए। जैसे 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 समय बीतता गया हमारी क्रू आगे बढ़ती गई और हमारे सामने आया एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर हम बाग बाग हो उठे। वो था हमारे सामने थी चंबल नदी, इछलाती बलखाती चंबल नदी। इस चंबल नदी के बारे में ये कहना है कि जितने इसका पानी पूरे जीवन पिया है उसका जिगरा शेर का हो जाता है, शेर जैसा कलेजा इसमें आता है। और यहाँ से दिखता है मॉडर्न कोटा। मॉडर्न कोटा जहाँ भागते दौड़ते लोग न जाने कितने बच्चे अपने आँखों में कुछ कर दिखाने की, कुछ बन दिखाने का सपना लेकर इस शहर में आते हैं। आइए और आगे चलते हैं हम। ये सीढ़ियां, ये गलियां, ये चौबारे न जाने कितने राज अपने अंदर छुपाए हैं। न जाने कई सौ साल से ये दीवार ऐसा ही खड़ा है, न जाने कितने राज इसके सीने में दफन है। ये गलियां, इसके बारे में कहा जाता है इस खिड़की से नीचे जो सैनिक युद्ध अभ्यास करते थे उस पर नजर रखा करती थी रानी और उनकी पत्नियां। आगे हमारे साथ पुरातत्व विभाग के चीफ अनुप नारायण यादव जी हैं जो इस महल के बारे में कुछ बताएंगे। सर, इस महल का कोई हिस्ट्री, कोई पास्ट, कुछ ऐसा है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं जरूर शेयर करूंगा। चलते चलते आप आइए, पीछे चलते चलते आइए और उनसे बातें कीजिए। देखिए ये हुआ करता था शयन कक्ष। नहीं, यह गलत फरमा रहे हैं महोदय, ये शयन कक्ष नहीं था, ये आरामदायक कक्ष था। यहाँ लोग कच्चा बदलते थे। चलो गल टुंडा करवाया घड़ी राडो दी ले आया। सर, एक्टिविटीज का आपको संदेश तो मिल नहीं रहा है, चलते रहिए आगे, शायद संदेश में तो आपको बताऊं। वैसा ये वही बरगद का पेड़ है। ऊपर एंगल मार दो, ऊपर नीचे देख। ऊपर हमने इस बरगद के पेड़ की ऊंचाई देखी थी और यहां से पता चलता है ये बरगद का पेड़ कितना ऊंचा है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, प्लीज जरा ऊपर जूम किया जाए। आप देख सकते हैं आसमान को छूती, आसमान की बुलंदियों को छूती ये बरगद का पेड़ 500 सालों से यूं खड़ा है। न जाने कितने राजा आए और चले गए पर इस बरगद का पेड़ ने सबको देखा है, उन राजा के बच्चों को अपने गोद में खिलाया है। इस बरगद के पेड़ को देखिए, देखिए इस बरगद के पेड़ को। क्या इस पेड़ के पास है वो जवाब जो हमें चाहिए? क्या हम जो ढूंढ रहे हैं इस पेड़ के पास है? क्या इस पेड़ से हमें कुछ सुराग मिल पाएगा? आइए देखते हैं। इंसान कुछ बताते हैं, ये दीवार, इंसान देखो, ये दीवार जो कभी शान से अपनी खूबसूरती पर इछलाया बलखाया करते थे, हमारी सरकार के कमजोर नीतियों के कारण इनका देखिए क्या बुरा हाल हुआ है। जो चीजें कोटा की शान हुआ करती थी आज उनको देखिए पूछने वाला कोई नहीं। ये राजस्थान सरकार की निकम्मा और नालायक नीतियों का नतीजा है जो ये महल खड़े खड़े ढह रहा है। आइए कैमरामैन जरा इस महल की बदहाल। ये महल जिससे न जाने हम कितने लाखों रुपए कमा सकते थे विदेशी सैलानियों के आने से,
पर आज ये महल कोई इससे पूछने वाला नहीं, अपने बदहाल स्थिति पर रो रहा है। ये दीवारें इनकी खूबसूरती का प्रतीक हुआ करती थी, लोग इस पर अपने प्रेम की कहानियां लिखकर चले जा रहे हैं। आइए और आगे देखते हैं इस महल में क्या है ऐसा। बोलो। ये सीढ़ियां इतनी बदहाल हैं, ये हमारा पूरा यूनिट एक साथ इस पर उतर नहीं सकता, पता ना कब ये सीढ़ियां ढह जाए। ये देखिए, ये बीच की गैप को देखिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस महल को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम अपने सैलानियों से